जय श्री कृष्ण। न्यूज फॉर काठियावाड़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हिनाउजा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, एसोसिएशन ऑफ द साइन बिजनेस क्लब। मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। तो आइए हम देखते हैं रमन शास्त्र के ऊपर से मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन। तो आइए फर्स्ट मेष राशि क्या कहती है, मेष राशियों के लिए ये वीक कैसा है। बार बार भाव कनेक्टेड दिखा रहा है, तो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं। कहीं पर आप रिनोवेशन के, अपने खुद के बेडरूम के रिनोवेशन के बारे में सोचे तो रिनोवेशन भी कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये वीक के लिए कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 1, 2 और 3 नंबर। आपको हो सके तो क्या करना है कि घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको एक छोटी सी कांच की कटोरी लेके गेहूँ रखने हैं और एक कपूर और एक लौंग जलाना मिट्टी के दिए में, ताकि ईस्ट दिशा में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाए। वहाँ पे लोखंड की कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। और रात को चंद्रमा के दर्शन करने हैं और हो सके तो गाय को हरा घास खिलाइए, तो उसे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और वाइट कलर और येलो कलर। तो अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, सातवा भाव कनेक्टेड हो रहा है। तो कहीं पे आप बिजनेस करना चाहते हो नया बिजनेस में, तो पार्टनरशिप भी कर सकते हो। योग युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं। कहीं पे आप इंडिया में भी आ सकते हो, पॉलिटिक्स जाहिर जीवन में भी जा सकते हो। ये वीक आपके लिए अच्छा है और लॉन्ग टाइम आप जहाँ भी जाएंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपका काम सिद्ध हो जाएगा, सक्सेसफुल मिलने लगेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर। लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। जहाँ आपको हो सके तो आपको क्या करना है कि जो भी भगवान को मानते हो वहाँ पे टेंपल पे जाके आपको ध्वजा चढ़ानी है, या तो जो जिसको भी गुरु मानते हो उनको 3 कपड़े दे दीजिए, क्लॉथ दे दान में दे दीजिए, तो आपका कार्य सफल और सक्सेसफुल होना चालू हो जाएगा। हो सके तो फिश को और बिल्ली को खाना खिलाइए। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मिथुन राशियों के लिए पांचवा भाव दिखा रहा है। तो कहीं पे संतान के कुछ टेंशन ले रहे हो, एजुकेशन के बारे में कैसा होगा, कैसा आगे स्टडी होगा। कहीं पे आपके पूर्व पुण्य के कर्म है वो हो सकते, शेयर मार्केट के रिलेटेड स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हो रही। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए, आपके कर्म कैसे हैं क्या है तो ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपकी घर की जो नॉर्थ दिशा है वहाँ पे नेगेटिव थोड़ा शाइन दिखा रहा है, तो वहाँ पे आपको एक कांच की कटोरी है तो प्लास्टिक की कटोरी लेके वहाँ पे मूक रखना है और वीकली चेंज करना है वेनसडे टू वेनसडे। और हो सके तो पक्षु पक्षियों को दाना डाल दीजिए, ताकि काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। गाय को हरा घास खिलाना है और आपकी जो भी मन्नत बाकी रह गई तो आपको गाय को राइट ईयर्स में आपको अपनी मन्नत बोलनी है, तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा और सक्सेस में मिलना चालू हो जाएगा। आपको घर की दहली जो है वहाँ पे मिट्टी के दिए में एक कपूर और लौंग जलाना है, ताकि रोज शाम को करना है, तो उसे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन कलर। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, नौवा भाव दिखा रहा है ब्याज। तो कहीं पर कुछ धर्म की यात्रा होने वाली है, कहीं पर घूमने फिरने का प्रदेश गमन के योग भी बन रहे हैं। कहीं पे दत्तक संतान के बारे में सोचे तो दत्तक संतान भी ले सकते हो। तो नवा भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो फॉरेन के योग भी बन रहे हैं। तो ये भी के लिए लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। घर की जो साउथ दिशा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि सरसों का तेल का दिया करना है और वहाँ पे बैठ के मंगल स्रोत का पाठ करना है, और हो सके तो पितृदेव को नमस्कार करके पितरों के आशीर्वाद लेने, तो आपके कार्य में सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा 9 नंबर और लकी कलर रहेगा रेड कलर। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, फोर्थ भाव दिखा रहा है सिंह राशियों के लिए। तो कहीं पे आप नई कार या तो घर बार लेने के लिए सोचे हो, या तो नया घर ले रहे हो दूसरा, या तो कुछ नए योग दिखा रहा है, बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी सोच रहे हो। तो लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका पर्पल कलर, ब्लू कलर, डार्क ब्लैक कलर। हो सके तो आपकी घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है वहाँ पर आपको क्या करना है कि हो सके तो 11 एक कांच की कटोरी लेके वहाँ पे 11 लौंग, 11 ब्लैक पेपर, 11 गोमती चक्र और 11 काली कोड़ी, और हो सके तो 11 तमाल पत्र, ये सारी चीज़ें रखें। 11 इलची भी रखनी है और 11 कपूर की गोलियाँ रखनी है, और उसको वैसे ही रखें पूरे वीक के लिए, तो हो सके तो देखो आगे कैसा सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाता है। लकी नंबर रहेगा 4 नंबर। तो ये प्रॉब्लम से सोल्व हो जाते हैं और आगे बढ़ के सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 8वां भाव दिखा रहा है कन्या राशियों के लिए। तो 8वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, कहीं पे कुछ मिल वार्षत या तो मकान मिलकत मिल रही है,
आपको कुछ अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कहीं पे पैरों के घुटनों के दर्द हो सकते हैं या तो मोच आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। थोड़ा मुलतवी रखें, नया कार्य कोई भी करना नहीं है। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका पर्पल कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। और हो सके तो घर की जो वेस्ट दिशा है वहाँ पे बैठ के आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है रात को टाइम पे या तो शाम के टाइम पे, तो उससे काफ़ी फायदा मिलना चालू हो जाएगा। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। फर्स्ट भाव दिखा रहा है तुला राशियों के लिए, तो खुद के बारे में आपको सोचना है और आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना है और आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और लकी नंबर रहेगा जैसे 1 नंबर, तो अपने आप को अपनी पहचान खुद बनाइए, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और जाहिर जीवन में आप आइए, लोगों को बताइए आप क्या हो और क्या कर सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर। और हो सके तो घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको सूर्यदेव को जल का अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के साथ, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और रेड कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहते हैं। वृश्चिक राशियों के लिए ये भी छठा भाव दिखा रहा है, तो रोग शत्रु और मित्र कुछ कर्मचारियों या नौकर चाकरों को परेशानी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कोई नया इन्वेस्ट नहीं करना है या तो रिलेटिव्स के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करना, खास ध्यान रखना है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या तो बिना एग्रीमेंट के कोई भी साइन, बिना एग्रीमेंट के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर। हो सके तो रात को चंद्रमा के दर्शन करने हैं और उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। हो सके तो घर की जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपको तांबे के लोटे में पानी भर के और 11 व्हाइट कोड़ी डाल के, 11 गोमती चक्र डाल के फिर ऊपर एक कोकोनट रख दीजिए, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। धनु राशियों के लिए 16वां भाव दिखा रहा है, तो 4, 8, 12 भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो 4th भाव दिखा रहा है। तो कहीं पे कुछ नई कार, नए घर, बच्चों के एजुकेशन के बारे में चिंतित हो, कहीं पे नया लेने की सोच रहे हो। 8वां भाव से कनेक्ट, कहीं पे व्हील वारसत मिलकत मिल रही है, मकान भी मिल रहा है। कहीं पे घुटनों के दर्द, घुटनों पैरों के दर्द, पैरों में मोच भी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। 12वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कहीं पे बेडरूम रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हो, कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान रहे। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 6 और 7 नंबर। हो सके तो सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के साथ पानी का, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और रात को चंद्रमा के दर्शन करने या तो आपकी जो भी कुल देवी है उनकी मन्नत ले लीजिए, आपका कार्य सफल कुल हो जाएगा। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। दूसरा भाव दिखा रहा है, तो कहीं पे फैमिलियों के साथ एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है। कहीं पे फैमिली के साथ में संपत्ति के योग भी बने, तो संपत्ति भी मिल सकती है। वाणी में संयम रखना है, आपकी वाणी की वजह से कुछ न कुछ नया होने जाने वाला है। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर। हो सके तो चंद्रमा के रात को दर्शन करने और जो भी आपकी कुल देवी है उनकी मन्नत ले लीजिए, आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। और हो सके तो घर की जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है उसको शुद्ध रखना है और वहाँ पे वाटरफॉल्स रख दीजिए, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वां भाव दिखा रहा है कुंभ राशियों के लिए, तो कुछ नया होने जा रहा है। बिजनेस खुद के बारे में सोचे, खुद अपना बिजनेस करें तो वो आप लेडीज़ के नाम पे कर सकते हो या तो माता के नाम पे भी कर सकते हो। माता के हेल्थ के बारे में सोचना है, थोड़ा ध्यान रखना है। और कहीं पे कुछ लेडीज़ के नाम से बहन या तो वाइफ या तो सिस्टर या तो डॉटर के नाम पे भी बिजनेस खोल सकते हो, कंपनियाँ भी खोल सकते हो, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जहाँ भी सक्सेसफुल नहीं मिलता है वो मिलना चालू हो जाएगा। और हो सके तो आपको क्या करना है कि जब भी फ्राइडे आता है तभी महीने में एक बार आपको क्या करना है, फ्राइडे को नव कन्याओं को भोजन कराना है, चना और पूरी और हलवा खिलाना है, तो ताकि आपके घर में बिठा के फिर उनको कुछ गिफ्ट देनी है, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा 1 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और रेड कलर। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 15वां भाव दिखा रहा है,
तो 15वां भाव से कनेक्टेड, 3, 7, 11 भाव से कनेक्टेड होता है। तो कहीं पे छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ है तो पड़ोसियों के साथ पराक्रम भी दिखा सकते हो। युवक युवती के यो शादियों के योग भी दिखा रहे हैं। कहीं जाहिर जीवन में पॉलिटिक्स में भी आ सकते हो, तो कुछ नया होने जा रहा है, मॉडलिंग भी कर सकते हो। तो 11वां भाव से लक्ष्मी के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लक्ष्मी मित्र द्वारा या दामाद द्वारा या बहू द्वारा, तो कुछ न कुछ शेयर मार्केट द्वारा भी लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर। और हो सके तो आपको क्या करना है कि आपको सूर्य देव को जल का अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के साथ, गाय को हरा घास खिलाइए, और हो सके तो कुल देवी की कुछ मन्नत ले लीजिए। आपका जहाँ भी काम रुका हो वो काम आपका सफल कुल चालू हो जाएगा। तो ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से, मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू।